रीट में जो 200 मॉडल पेपर भी निकाल के रूट क्यों निपिंगा भी ढंगा नंबर आए, क्योंकि पर्सन तो आज तक आइडा है सारा, और हर एग्जाम में 30% पर्सन रिपीट होते, ये फिक्स है। भले आप आरएस की दे देना चाहिए, अभी आरएस का उठा के देख लो, 30% पर्सन आपको रिपीट मिलेंगे वापस, हर एग्जाम में रिपीट होते। थोड़ा मॉडल पेपर ज़्यादा निकाले, अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना, गलती स्टूडेंट एक ही करे, बहुत बढ़िया तरीकों पर है वो याद भी करें, लेकिन स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं निकालता, और एग्जाम आपकी ऑब्जेक्टिव है, वो पहले युद्ध से पहले तैयारियां नहीं करता। अपनी भारतीय सेना है, युद्धाभ्यास करती है, बहुत खर्चा लगता है युद्धाभ्यास, बहुत खर्चा लगता है, लेकिन फिर भी उसे युद्धाभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन युद्ध की नौबत आएगी तो वो पहली तैयारी। अपना सो क्यों करते हैं, एक स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी करे, लेकिन वो पेपर में बैठ के भी तरीकों मॉडल पेपर कभी को निकाले, ये सो क्यों पढ़ देगा रट देगा, लेकिन 50 मॉडल पेपर को निकालो थे एग्जाम में, बहुत सारी सब बड़ी गलती। अगर आपने मॉडल पेपर ले आगे जी हाँ पेपर एग्जाम बिंग हिसाब, अगर मॉडल पेपर ईमानदारी निकाल के लास्ट में नंबर जोड़ के अगर 50 की निकाल दिया ने, तो बिंगो एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। कोई काम आप करा को नहीं करोगे रीट में, ऐसा आपको एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि जिसने बड़ी ही मेहनत से नौकरी की तैयारी की वो नहीं लगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी ने सेकेंड ग्रेड की लेकिन लगा वो पुलिस में, ये हो सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि वो कहीं नहीं लगा। एक भी उदाहरण आप मेरे सामने नहीं ला सकते जिसने तैयारी की वो लगा नहीं कहीं लास्ट में चेंजेस आने, एक भी कौन मिलेगा, लेकिन तैयारी करिए तो